नमस्कार, पृथ्वी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं शिक्षा कश्यप स्वागत करती हूं। बड़ी खबर, बच्चों को अगले महीने लगेगा टीका। कैडिला हेल्थ केयर कंपनी लॉन्च करेगी वैक्सीन। कैडिला हेल्थ केयर अगले महीने बच्चों की वैक्सीन जायकोव डी लॉन्च कर रही है। जी हां, इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने पिछले महीने मंजूरी दे दी है। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है और 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है और अब देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों को सुरक्षित करना बड़ी चुनौती बन गई है और इसके लिए कई वैक्सीन कंपनियां ट्रायल कर रही हैं। जानकारी अनुसार कोविड 19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने शुरू हो जाएगा। इस वैक्सीनेशन का नाम जायकोव डी है। रिपोर्ट के मुताबिक जायडस कैडिला अक्टूबर से हर महीने 1 करोड़ डोज बनाएगी। आपको बता दें कि दुनिया की पहली डीएनए आधारित कोविड 19 वैक्सीन जायकोव डी को पिछले महीने भारतीय नियामकों से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी और अक्टूबर से जायडस कैडिला कंपनी एक महीने में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ डोज उत्पादन करेगी।